कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जल्द ही भारत में रूस में बनी कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। बता दें कि रूस में कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक 5 जल्द ही तैयार होने वाली है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि सबसे पहले कोरोना की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाने वाले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि वैक्सीन के वितरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय वैक्सीन भी तैयार हो रही है, इससे संबंधित टेस्ट व ट्रायल अंतिम दौर में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1981 के फ्लू की याद दिलाते हुए कहा कि इसलिए प्रधानमंत्री के ध्येय वाक्य जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र को हर व्यक्ति को अपनाना पड़ेगा। 2020 की यह जंग इसलिए अनोखी है क्योंकि इसमें दुश्मन दिखाई नहीं पड़ रहा है। चिकित्सकों की मेहनत से कोरोना से जंग जीतने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्रिटेन में नए स्ट्रेन की सूचना है, ऐसे में हमें ज्यादा सजाग रहने की जरूरत है। यह एक गंभीर मुद्दा है। जब तक दुनिया के हर व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर सक्रिय है, जल्द ही कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।